पूरा समंदर है सामने। वाव चेतन, तू गाड़ी चला, व्यू मत देख। रूम थोड़ा बेसिक ही है बट उसका व्यू बेसिक नहीं है, व्यू देख। वेलकम टू वी आर ट्रैवल बडीज, मैं हूँ वैभव। दिन की शुरुआत ऐसे हुई है कि क्या बोलूँ, माउंट उल्टा लग गया था कैमरा का, माइक भी नहीं लगा था और मैं बातें करते जा रहा था। मैं और चेतन, हम दोनों अभी निकले हैं राइड पे। हम जा रहे हैं गुहागर, उसके नेक्स्ट बीच ही है जो है वालनेश्वर बीच, वहाँ पे स्टे करेंगे। टोटल 300 किलोमीटर्स का राइड है और अभी हम लोग नागोटने पहुँचने वाले हैं। वड़खड़ हम लोग ने क्रॉस किया है, देखते हैं अभी नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। मुंबई वरुण, ओके ऐसा का? ठीक है, नॉर्मल चेकिंग था, रूटीन चेक इन होगा। वैसे अपना सब डॉक्यूमेंट्स ओके है तो प्रॉब्लम नहीं है। मस्त, अभी नाश्ता हो गया है और अभी निकल रहे। ज़्यादा नहीं किया नाश्ता, थोड़ा ही किया। अभी थोड़ा धूप निकल गया, जल्दी रुकने नहीं है, थोड़े किलोमीटर्स कवर करते हैं फिर रुकते हैं। अभी हम लोग मान गांव पहुंचे हैं और महाड़ यहाँ से कुछ ही मिनटों पे है और मानगांव का मेन मार्केट है। यहाँ पे हमेशा थोड़ी उथल पुथल रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। गाड़ी देखो किधर ऊपर खड़ी कर दी है। ये मेरे दोस्त का गांव है, ये एक्चुअली महाड़ सिटी के पहले है, बहुत चेंजेस हुए हैं। ये ऐसा ही रोड का काम चालू है, इसके लिए थोड़ा सा ट्रैफिक है। फिर भी अभी 11 बज रहे, हम लोग महाड़ पहुंच गए। पेट्रोल भर के लेते हैं क्या? है बट चल देखते हैं। यहाँ से रोड इतना सही है क्या बताओ, मतलब पूरा प्रॉपर मार्किंग्स है यहाँ पे और साइन बोर्ड्स भी है, स्पीड लिखा हुआ है, बीच बीच में ऐसे पौधे हैं, सही है। मतलब अगर पूरा मुंबई गोवा हाईवे बन जाएगा ना तो ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ, महाड़ क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम आगे चले गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला टर्न मेरे को याद है, यहाँ के बाद फिर आता है महाड़, आई थिंक सो। हाँ, इसके बाद ही आना चाहिए आई थिंक। राइट है भाई, क्योंकि बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना तो याद नहीं आ रहा है। मतलब अभी ये पैच देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना तो इसके वजह से पता नहीं चलता। ये जो नदी है साइड में, अगर दिख रही है क्या पता नहीं, ये सावित्री नदी है, इसमें क्रोकोडाइल्स है भाई। क्या केम्बुरली, सागर सागर तेरा गांव आ गया केम्बुरली, अगर तू वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर करना। अभी महाड़ सिटी से हम लोग ने अंदर की तरफ लिया है, दापोली जाएंगे, दापोली से फिर दाभोल। सब आजू बाजू में खेती खेत है। अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है दाभोल, अभी 1.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से। छोटा रोड है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, स्पीड भी कम हो रही है, नदियाँ भी सूख गई है। इतने धूप में भी कैसे लेके जा रहे हैं सब, हैट्स ऑफ है इन लोग को। तो गाइज अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, तो चेतन कैसा रहा? थोड़ा थक गए अभी हम लोग, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सही है लोकेशन एकदम। भाई बहुत धूप है बट इतना चलाते टाइम कुछ नहीं लग रहा है, बट रुकेंगे ना अगर धूप में तो लग रहा है एक्चुअली।
लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। ये जो सुपारी रहती है ना उसकी बाग है ये, और ये साइड पे बहुत रहते हैं, मस्त पानी है ना, व्यू देख। अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है दाबोर, 23 मिनट्स बता रहे हैं, बहुत ब्रेक लिया बहुत। तो कोई गाड़ी नहीं है अपने को, टेंशन नहीं, आराम आराम से जाएंगे। क्या व्यू है यार, जबरदस्त। अभी ये पार करके हम लोग वो साइड जाएंगे, चलो निकलते हैं। चलो गाइस चलो। पूरा का पूरा ट्रक भी आ गया। हाँ पूरा ट्रक आ गया। जेटी से दूसरी तरफ आ गए और यहाँ से अभी सिर्फ 1 घंटा है, सिर्फ बस 1 घंटे की दूरी तय करके फिर हम पहुँच जाएंगे हमारे स्टे पे। इतना भी कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसे थके हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। वाह नारियल के पेड़, वाह 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 वाह, क्या वाइब है। चेतन कह रहा है कि इधर मगरमच्छ हो सकती है। क्या हाँ पत्थर है, पत्थर मगर है। खतरनाक रोड है भाई, फुल ऑफ रोडिंग हो गया आज। वाओ क्या क्या व्यू है। आई थिंक ये गुहागर बीच के नज़दीक आ गए हम लोग। हो जबरदस्त ना। फोटो काढायचा, जबरदस्त व्यू आहे ना चेतन, जबरदस्त व्यू आहे यार। काय हर बार क्या, हाय गाइस हाय गाइस, एक बार हो गया हाय गाइस। चलो गाइस अभी व्यू देख लेंगे। ये वो वाला आइटम है, हाय गाइस चाय पी लो। इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। बाकी व्यू देखो, चलो आप निकलते हैं अभी, थोड़ा आई थिंक आधा घंटा है, पौना घंटा ही है ना गाइस। 28 मिनट्स और है, अभी चेतन चला रहा है बाइक और मैं पीछे बैठा हूँ। हाँ ये वाला रास्ता बहुत खराब है। बराबर है गाइस, देखो गांव कैसा होता है, ऐसा होता है गांव, कोकन कोकन। आपको यहाँ पे ना लाल मिट्टी दिखेगी, और जो घर होते हैं ना वो भी उसी मिट्टी से, मतलब लेटराइट जो रॉक रहता है उससे बनाया होता है। अंदर के रोड ऐसे ही होते हैं पूरे, कभी मिट्टी कभी इटार मैक का रहता है, ऐसे ही चालू रहता है। ओहो क्या पेड़ है यार, जबरदस्त। ये है हमारी लाल परी, कोंकण की लाल परी। पूरा समंदर है सामने, वाओ
चेतन तू गाड़ी चला, व्यू मत देख तू कंसंट्रेट कर गाड़ी पे तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और थोड़ा टाइम हो गया पहुंच के। हम लोग फ्रेश हुए और अभी सोच रहे हैं कि बाहर घूम के आए। रूम थोड़ा बेसिक ही है बट उसका व्यू बेसिक नहीं है। व्यू देखो, है ना जबरदस्त। तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये सेकेंड वाला रूम हमारा है। व्यू क्या है यार, क्या बोल रहे हैं चेतन? नंबर व्यू है गाइज थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बिकॉज विंड नॉइज ज्यादा है। गाइज व्यू बहुत अच्छा है और सही लग रहा है यहाँ पर। और सैंड पूरा वाइट वाइट सैंड है। हाँ शाम का व्यू तो एक नंबर हो गया यार। वाओ, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह इतनी खूबसूरत होगी मैंने सोचा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और यहाँ पे ऐसे बैठ के सिर्फ ये आवाज़ सुनो, क्या सही लगता है। सुकून, और ऐसा सुकून आपको ऐसे बीच पे एक सेक्लूडेड प्लेस पे ही मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं हो ऐसे जगह पे। तो ये जो बीच है ये है विलनेश्वर बीच है जो है कोंकण में गुहागर का, वहाँ पे गुहागर है, गुहागर बीच, और उसके नेक्स्ट ही ये विलनेश्वर बीच है। अभी चेतन रेडी हो रहा है, मतलब बनाने गया है। रूम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है बट खाना रात का एक नंबर का होममेड फूड था, सी फूड मंगाया था और वो इतना टेस्टी था, महाराष्ट्र स्टाइल से बनाया था, बहुत ही अच्छा था। तो वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि हम लोग बहुत भूखे रह जाता तो मिला नहीं टाइम। हम लोग जैसे खाना आया हम लोग टूट पड़े देखते हैं दोपहर में या फिर शाम में अगर मिलता है टाइम तो फिर वीडियो निकाल लूँगा उसका। चलो बीच पे। गुड मॉर्निंग।
भाई खाना स्टार्ट भी कर दिया। स्टार्ट कर दिया भाई, बहुत भूख लग रही है, मॉर्निंग में। तू भूल रहा है अपन व्लॉगर है। अभी घावना, इसको घावन कहते, ये हमारे कोंकण में ये स्पेशलिटी है नाश्ते के लिए। तो मस्त अभी खाएंगे और फिर रत्नदुर्ग के निकलेंगे। रत्नदुर्ग? हाँ यस, चलो। सो गाइस, अभी हम लोग इधर एक मंदिर है वेणेश्वर, जिस नाम से ये बीच है, वेणेश्वर मंदिर का दर्शन हम करेंगे और फिर बाद में रत्नदुर्ग को निकलेंगे। हाय। व्यू बग, फोटो तो बनता है ना। आई थिंक हम लोग अभी गणपतिपुरे पहुँचे हैं, बट गणपतिपुरे जाने का रास्ता पता नहीं, मतलब मंदिर में जाने का रास्ता मुझे नहीं पता है। आई थिंक सो आगे से अगर पता चलेगा तो, लेट्स सी। चेतन की इच्छा पूरी हो गई, गणपति पुणे आ गए। गणपति पुणे आना ही था मुझे। गणपति पुणे, पुणे सॉरी। एक्चुअली हम लोग बाहर से ही जाने वाले थे, बट चेतन बोला कि देख के आते हैं, इसके लिए हम लोग गए। लेकिन मैं बोला कि नहीं, इधर आए तो अभी जा ही लेते आते। हालत ख़राब हो गई है बहुत ही ज़्यादा, 3 बज गए आते आते और बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है गाइस। अभी हम लोग जो फोर्ट पे है इसको कहते हैं रत्नदुर्ग, और इसे भगवती फोर्ट भी कहते हैं क्योंकि भगवती माता का मंदिर है जो मैंने आपको अभी दिखाया, और पीछे भी सेम फोर्ट का तटबंदी है। अभी वहाँ पे जाने के लिए तो पता नहीं कहाँ से जाना है, और हम जाने वाले भी नहीं है क्योंकि इतना ही देखेंगे और जाएंगे, क्योंकि हालत पूरा ख़राब हो गया है धूप के वजह से, पूरे डिहाइड्रेट हो गए। यस गाइस, फुल डिहाइड्रेट हो गए। अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न जाने वाले हैं।
फोर्ट घूमा और एक प्रॉब्लम हो गया, चाबी भूल गए। बाइक की चाबी उस पे ही रख दी बाइक पे। ये खाली वैभव ही कर सकता है। अरे यहाँ से। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज लास्ट डे है, मतलब कल हम लोग डायरेक्ट रत्नदुर्ग से आए और बहुत थके हुए थे, तो डायरेक्ट खाना खाए और सो गए हम लोग, क्योंकि अभी सुबह निकलना था। अभी 6:30 बज रहे, हम लोग अभी बैक टू मुंबई जा रहे हैं। स्टे बहुत ही अच्छा था और ये वेलनेश्वर बीच के सामने ही ये रिसोर्ट, मतलब रिसोर्ट होम स्टे कह सकते हैं इसे, बहुत ही सही था लोकेशन, खाना भी एक नंबर था, बहुत मज़ा आया मुझे तो। तो हाय गाइस, आज डे एंड है तो हमने घूम लिया अच्छे से, एंजॉय भी किया बहुत। ये रिसोर्ट बहुत सही है, यहाँ पर आप आओगे तो आप बहुत एंजॉय कर पाओगे और बीच का व्यू भी बहुत ऑसम था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी अगर आपको कहना हो या फिर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और लाइक और शेयर करना भूल जाने और सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय।